15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, यानी आज से 75 साल 9 महीने पहले। लेकिन एक पल के लिए आप कल्पना कीजिए, एक पल के लिए, कि अगर भारत 1947 की जगह 1915, 1920 या 1925 में आजाद हो गया होता तो आज का भारत कैसा होता? मतलब आप सोचिए ना, शायद भारत के दो टुकड़े होते, ना बंटवारा होता, ना पाकिस्तान बनता, ना पाकिस्तान के टूटने से बांग्लादेश बनता, ना बंटवारे के दौरान लाखों लोग मारे जाते, ना कश्मीर को लेकर कोई लड़ाई होती, 65 भी नहीं होता ना, ना 1965 होता, जब पाकिस्तान ही नहीं होता तो ना 65 होता, ना 71 होता, और शायद ना ही देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच आज की तरह दंगे होते। अगर भारत 1947 से 20-25 साल पहले आजाद हो गया होता तो भारत की अर्थव्यवस्था, यकीन मानिए, आज दुनिया में पहले या दूसरे नंबर पर होती। भारत बहुत पहले ही आत्मनिर्भर बन गया होता और शायद आज, मतलब अगर आजादी 20-25 साल पहले मिल गई होती तो शायद आज भारत एक विकासशील देश ना होकर एक विकसित, डेवलप्ड नेशन, विकसित देश होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत को अंग्रेजों से आजादी लेने में ना 90 साल लग गए, 90 साल। इन 90 सालों में ब्रिटेन से आजादी हासिल करने के कई मौके गवा दिए गए। ऐसा ही दावा दरअसल किया गया है एक आने वाली हिंदी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में। फिल्म के ट्रेलर में वीर सावरकर का किरदार निभा रहे रणदीप हुड्डा एक डायलॉग बोलते हैं जिसमें वो कहते हैं कि गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो गया होता। गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। फिर से बताता हूं, सावरकर की भूमिका निभा रहे रणदीप हुड्डा का एक डायलॉग। वो कहते हैं कि अगर गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले आजाद हो गया होता। अब दरअसल इस फिल्म के डायलॉग को लेकर जबरदस्त विवाद हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म में सावरकर को महान दिखाने के साथ साथ गांधी जी को इस बात का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हो रही है कि भारत को देर से आजादी मिली, देर से आजादी के लिए गांधी जी जिम्मेदार, इस फिल्म में ऐसा दिखाया जा रहा है सावरकर के डायलॉग के जरिए। आज दरअसल हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई, मतलब इस बात में कितनी सच्चाई है कि गांधी की जी की वजह से देरी से आजादी मिली जो दावा है, क्या वाकई महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने भारत की आजादी को डिले कराया? क्या हम ये सवाल पूछेंगे, क्या वाकई गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों ने आजादी की मांग की रफ्तार को धीमा कर दिया, और क्या वाकई सावरकर, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों की अगर चली होती तो भारत कई दशक पहले आजाद हो जाता? एक एक करके आपको बताते हैं कि क्या हुआ और क्या हो सकता था और क्या नहीं हुआ। देखिए, फिल्म यह दावा करती है कि गांधी जी की वजह से भारत को आजादी 35 साल देर से मिली। ठीक, यानी कि भारत 35 साल देर, मतलब 47 में आजादी, तो आप समझिए भारत 1912 में आजाद हो जाता। यह फिल्म दावा कर रही है ऐसा। ये बात पूरी तरह से देखिए सही नहीं है, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे। लेकिन हाँ, ये बात कुछ हद तक सही जरूर है कि 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू होने के बाद भारत के पास ब्रिटेन से आजादी मांगने का एक बड़ा मौका था, इसे गंवा दिया गया। किसी भी व्यक्ति में, समाज में या देश में आजादी को लेकर तड़प तब सबसे ज्यादा बढ़ती है जब वो गुलामी के साए में एक साथ बहुत सारी विपदाओं का सामना कर रहा होता है। 1914 से 1918 के दौरान भारत के साथ बिना ऐसा ही हो रहा था। ब्रिटेन पहला विश्व युद्ध लड़ रहा था और उसका सबसे बड़ा हथियार थे भारत के संसाधन। लेकिन इस दौरान गांधी जी ने ना सिर्फ इस युद्ध का समर्थन कर दिया,
बल्कि देश के युवाओं से ब्रिटेन की तरफ से लड़ने का आह्वान किसने किया? गांधी जी। इस दौरान भारत टैक्स, जबरदस्त महंगाई, ठप कारोबार और स्पेनिश फ्लू, जी हां स्पेनिश फ्लू जैसी महामारियों से जूझ रहा था। भारत के लोगों में ब्रिटेन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। स्पेनिश फ्लू से भारत में 1 से 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन गांधी जी ये सोचकर ब्रिटेन का समर्थन करते रहे कि शायद युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन भारत की बात सुनेगा और भारत के लोगों को ज्यादा शक्तियां संभवतः दे दी जाएंगी। लेकिन ना तो ऐसा हुआ और ना ही होना था। जब किसी दौरान वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी, जिस पर यह मूवी बनी है, वीर सावरकर जैसे महान क्रांतिकारी भारत को आजाद कराने की कोशिश की कीमत अंडमान की काला पानी जेल में ब्रिटेन के असहनीय अत्याचार झेलकर चुका रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा क्रांति के दम पर आजादी, अंग्रेजों से आजादी लेने के पक्ष में नहीं था। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा क्रांति के दम पर अंग्रेजों से आजादी लेने के पक्ष में नहीं था। क्रांति के दम पर महात्मा गांधी भी उन्हीं लोगों में शामिल थे जिन्होंने अहिंसा और आंदोलनों के जरिए स्वतंत्रता हासिल करने को अपना उद्देश्य बना लिया था। महात्मा गांधी और कांग्रेस के कुछ नेताओं को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। मतलब इसका मैं बताता हूं आपको, ये उम्मीद थी। मतलब ये होता है कि भारत एक तरह से आजाद हो जाएगा। ये पूर्ण आजादी नहीं थी क्योंकि इसमें भारत के आजाद होने के बाद भी भारत पर कुछ हद तक ब्रिटेन का नियंत्रण बना रहता, लेकिन ये कम से कम गुलाम बने रहने से बेहतर विकल्प था, ये उम्मीद थी। 1917 में ब्रिटेन की संसद में, ध्यान से सुनिएगा, 1917 में ब्रिटेन की संसद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मोंटागु ने यह घोषणा की थी कि भारत में एक ऐसी सरकार बनाई जाएगी जिसमें भारतीयों को ज्यादा अधिकार हासिल होंगे। लेकिन क्या हुआ नतीजा? विश्व युद्ध खत्म हुआ। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि क्या हुआ, 1919 में ब्रिटेन ने भारत के लिए रोलेट एक्ट पास कर दिया जिसके तहत भारत के आम लोगों की जिंदगी पर ब्रिटेन का पहले से ज्यादा अधिकार हो गया। इसमें ब्रिटेन की मुखालफत करने वालों को बिना किसी ट्रायल के सीधे जेल में डालने का प्रावधान था। इसी कानून के तहत भारत में प्रेस की आवाज को बंद कर दिया गया, दबा दिया गया। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना ट्रायल जेल में डाला जाने लगा। बिना वारंट के लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी और किसी पर जरा सा भी शक होता ना तो उसे राजद्रोह के इल्जाम में जेल भेज दिया जाता और जिन लोगों ने इस कानून का विरोध किया उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। इस बात का जिक्र कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर ने एक अखबार में लिखे अपने आर्टिकल में भी विस्तार से किया। वो अपने आर्टिकल में क्या कहते हैं इसको ध्यान से सुनिएगा। शशि थरूर वो कहते हैं कि भाई उस समय गांधी, महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेताओं को यह लग रहा था कि विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करने पर उन्हें इनाम में आजादी मिलेगी, लेकिन उल्टा युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन ने भारत में आजादी की मांग को और बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया। जलियांवाला बाग सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जब 15,000 निहत्ते भारतीयों पर जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुन गोलियां चलाई गई और 1500 लोगों की जान चली गई। अब आप सोचिए जिस फिल्म में जो दावा किया गया है कि अगर पहले विश्व युद्ध के दौरान फर्ज कीजिए गांधी जी या कांग्रेस के नेताओं ने ब्रिटेन का साथ देने की बजाय ब्रिटेन पर दबाव बनाया होता, भारत में ब्रिटिश सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी की होती, तो संभवतः ब्रिटेन को झुकना पड़ता। क्योंकि पहले विश्व युद्ध के दौरान ना ब्रिटेन की हालत ऐसी हो गई थी कि 1917 आते आते ब्रिटेन के पास सिर्फ 3 हफ्तों का पैसा बचा था। तब अमेरिका ने ब्रिटेन का पैसे उधार देकर डूबने से बचाया था। अमेरिका ने ब्रिटेन को पैसे उधार देकर, ब्रिटेन की इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई थी, ब्रिटेन आर्थिक महामंदी की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिका और जर्मनी जैसे देश अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन को पछाड़ने लगे थे, यानी ब्रिटेन, ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज डूबने लगा था। लेकिन हमने क्या किया, भारत के तत्कालीन नेताओं ने इसका फायदा नहीं उठाया, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था लगभग तबाह हो गई थी। युद्ध, महामारियों और ब्रिटेन के खिलाफ अलग अलग देशों में हो रहे विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी। अच्छा मौका था
जो फिल्म में दावा किया गया ना कि पहले आज़ादी मिल जाती गांधी की नहीं चलती, गांधी जी की वजह से आज़ादी डिले हुई, जो दावा किया गया है, अच्छा मौका था, ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी। ये 1947 से पहले आए वो सब अवसर थे जब ब्रिटेन को ना झुकाया जा सकता था, ब्रिटेन को भारत को आज़ाद करने के लिए मजबूर किया जा सकता था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अगर ब्रिटेन से बातचीत के रास्ते और अहिंसा के फॉर्मूले को ऐसे मौकों पर इस्तेमाल ना करके ब्रिटेन के खिलाफ, जैसा क्रांतिकारियों की सोच थी, सशस्त्र विद्रोह या बगावत की शुरुआत की गई होती तो शायद भारत के हिस्से आजादी थोड़ा पहले आ जाती। वीर सावरकर इसी के पक्षधर थे, जबकि महात्मा गांधी अहिंसा आंदोलन, सत्याग्रह, अहिंसा के जरिए आजादी हासिल करना चाहते थे। दोनों के बीच इसे लेकर जो विरोधाभास था ना, उसका जिक्र इतिहासकार और लेखक, ये मैं किताब लेकर आया हूं, संजीव सान्याल, अपनी किताब रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम में करते हुए लिखते हैं कि जब लंदन में इंडिया हाउस में पहली बार सावरकर और गांधी जी की मुलाकात हुई, वो मैं पन्ना पढ़ देता हूं, इसमें जिक्र किया गया है कि रिश्तों में खटास कितनी ज्यादा थी। वो इसमें लिखते हैं, ये आपके सामने है, मैं पढ़ रहा हूं इसको, ये अंग्रेजी में आपके लिए हिंदी में पढ़ रहा हूं, मैं लिखकर लाया हूं, कि मुलाकात जब पहली बार हुई थी ना लंदन इंडिया हाउस में तो अच्छी नहीं थी। दोनों के सिर्फ व्यक्तित्व में ही टकराव नहीं था, बल्कि आजादी के लिए हिंसा के इस्तेमाल को लेकर भी दोनों के विचार बहुत अलग अलग थे। संजीव सान्याल क्या लिखते हैं, वो इसमें लिखते हैं कि जब सबसे पहले इन्होंने लिखा, देयर इज एन आई विटनेस अकाउंट दैट द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन दी स्टॉलवर्ट्स डिड नॉट गो वेल। सावरकर, अच्छा इसमें लिखा गया दिलचस्प किस्सा संजीव सान्याल की किताब में, सावरकर वॉज कुकिंग प्रॉन्स एंड हैड इनवाइटेड गांधी जी टू ज्वाइन हिज ग्रुप फॉर अ मील। ठीक, सावरकर प्रॉन्स तल रहे थे, झींगे तल रहे थे, तो उन्होंने गांधी जी को इन्वाइट किया। गांधी जी रिफ्यूज ऑन ग्राउंड दैट ही वॉज ए स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, वो तो वेजिटेरियन है। सावरकर ने उस वक्त कहा, सावरकर इज सेड टू हैव रिटॉर्टेड, वेल इफ यू कैनॉट ईट विद अस हाउ ऑन अर्थ आर यू गोइंग टू वर्क विद अस, आप हमारे साथ खाना नहीं खा सकते तो हमारे साथ आजादी की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। द फ्रिक्शन बिटवीन द टू वॉज मोर देन जस्ट अ पर्सनैलिटी क्लैश और इवन अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट द यूज ऑफ वायलेंस, बल्कि इसमें लिखा गया कि कुछ क्रांतिकारियों को गांधी जी पर शक भी था ब्रिटिशर्स का साथ देने को लेकर। ये सब संजीव सान्याल की किताब में दावे हैं। यानी कि एक तरफ महात्मा गांधी थे जो अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए स्वतंत्रता हासिल करना चाहते थे, दूसरी तरफ से वीर सावरकर, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी थे जिन्हें लगता था कि भाई अहिंसा और टेबल पर बातचीत के तरीकों से समय रहते आजादी नहीं मिलेगी। तभी इस फिल्म में बोला गया है, गांधी की ना चलती तो आजादी पहले मिलती, 35 साल पहले मिल जाती। तो यही सावरकर की अलग सोच थी, गांधी जी की अलग सोच थी, लेकिन उस समय महात्मा गांधी पूरे देश में बहुत लोकप्रिय हो चुके थे, उनके अहिंसक आंदोलनों को लाखों करोड़ों लोगों का समर्थन मिल रहा था। यानी कि गांधी क्या थे, एक यूनिफाइंग फोर्स बन चुके थे। जबकि क्या हो रहा था कि जो क्रांतिकारी अपने विचारों से तो एक थे लेकिन वो ना संगठित नहीं थे। इस बीच महात्मा गांधी अंग्रेजों पर अहिंसक तरीके से दबाव डालने के नए नए तरीके ढूंढ रहे थे, अहिंसक तरीके से। अच्छा, इन्हीं में से एक जिक्र आता है, एक खिलाफत आंदोलन, आपने सुना होगा ना खिलाफत आंदोलन, ये शुरू हुआ था अगस्त 1920 में। अगस्त 1920 खिलाफत, महात्मा गांधी के आह्वान पर देश भर के मुसलमान इसमें शामिल हो गए थे, खिलाफत आंदोलन। गांधी जी चाहते थे कि देश की आजादी में मुसलमान भी अपना योगदान बढ़ाए। विडंबना क्या थी, विडंबना यह थी कि इसके केंद्र में तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को कायम रखने की मांग थी। मतलब पहले विश्व युद्ध के बाद मित्र देश चाहते थे कि तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो, यानी कि वहां के सुल्तान, तुर्की का खलीफा, वहां के सुल्तान को हटाया जाए और एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित की जाए। लेकिन उस समय ज्यादातर सुन्नी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। विचित्र बात यह थी कि गांधी जी भारत के मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए कह रहे थे, लेकिन इसमें मुसलमानों की स्वतंत्रता शामिल नहीं थी, बल्कि उन्हें इस्लामिक बंधुता के नाम पर संगठित किया जा रहा था। क्योंकि वो किस लिए लड़ रहे थे, वो तो तुर्की के खलीफा के लिए खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए, खिलाफत आंदोलन आजादी के नाम का था, मुसलमान शामिल हुए उस वक्त तुर्की के खलीफा के लिए, जबकि भारत के मुसलमानों का तुर्की से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी अपने असहयोग आंदोलन की जमीन तैयार कर रहे थे।
लेकिन मसला यह था कि मुसलमान भारत की आजादी के लिए संगठित नहीं हुए थे, बिल्कुल नहीं हुए थे। इसको समझिएगा, यह हार्ड फैक्ट है। मुसलमान भारत की आजादी के लिए संगठित नहीं हुए थे, खिलाफत आंदोलन के समय की बात कर रहा हूं, बल्कि उन्हें एक धार्मिक मुद्दे के नाम पर साथ लाया गया, तुर्की के खलीफा खिलाफत। और इसके नतीजे जानते कब सामने आए? तब सामने आए जब असहयोग आंदोलन 1921 में अपने चरम पर पहुंच गया। और हुआ यह कि मालाबार के मोपला में, मोपला नरसंहार सुना है ना आपने, मोपला में मुसलमानों ने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया, मंदिर नष्ट कर दिए गए, हजारों पुरुषों को मार दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, घरों को आग लगा दी गई, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त नरसंहार, मोपला नरसंहार, कई लोगों का जबरन धर्मांतरण करा दिया गया। यानी कि महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के नाम पर देश के मुसलमानों को संगठित करने में तो सफल रहे, लेकिन क्योंकि ये मुसलमान देश की आजादी के नाम पर संगठित नहीं हुए थे, क्यों हुए थे? तुर्की के खलीफा, बल्कि धार्मिक आधार पर ये संगठित हुए थे, तो मामला उल्टा पड़ गया। मालाबार में उस दौरान हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ ना, उसका जिक्र भी इस किताब में है, संजीव सान्याल की। वो मैं एक हल्का सा आपको जिक्र करके जल्दी से बता देता हूं इसमें क्या लिखा गया है। ये आई विटनेस अकाउंट है, इसमें लिखा गया मोर देन 40 हिंदूज वर टेकन टू ए टांगल विद देयर हैंड्स टाइड बिहाइंड देयर बैक चार्ज विद द क्राइम ऑफ हेल्पिंग द मिलिट्री विद सप्लाइंग देम मिल्क और 38 ऑफ दीज हिंदूज वर कंडेम्ड टू डेथ। उनको मार दिया गया, उनका सर काटा गया, 38 वर मर्डर। और इसमें जो यातनाएं दी गई उसमें सारा जिक्र इस बात में किया गया, संजीव सान्याल की किताब। अब ये माला जो मोपला नरसंहार हुआ ना, पहले तो गांधी जी ने मतलब हिंसा हुई है इसे मानने से इंकार कर दिया कि मोपला में कुछ हुआ ही नहीं। बाद में जब वो माने भी कि हां चलिए हुआ, तो उनकी कोशिश ये थी कि इसे खिलाफत आंदोलन से जोड़कर ना देखा जाए। समस्या जानते क्या थी? समस्या ये थी कि असहयोग युद्ध का भी दौर आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और फिर भी वही हुआ। ब्रिटेन तो हर लिहाज से कमजोर हुआ, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और गांधी जी ने इस युद्ध में अपना समर्थन जारी रखा। अविडंबना यह थी कि एक तरफ तो गांधी जी और कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता इस बात पर बल देते थे कि आजादी हिंसा के जरिए नहीं मिल सकती है, दूसरी तरफ वो दुनिया के अब तक के सबसे हिंसक युद्धों में ब्रिटेन का साथ दे रहे थे। भारत के लाखों युवाओं को ब्रिटेन की सेना की तरफ से लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। नतीजा यह हुआ, पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भारत के 3 से 4 लाख सैनिक ब्रिटेन के लिए लड़ते हुए मारे गए। ये हिंसा नहीं थी क्या? मतलब आप सोचिए ना, अब आप सोचिए अगर इन्हीं लाखों युवाओं को ब्रिटेन के लिए हथियार उठाने की बजाय ब्रिटेन के खिलाफ हथियार उठाने के लिए एकजुट किया गया होता, जैसा कि रेवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी चाहते थे, तो क्या 10-20 हजार गोरे टिक पाते? दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 में खत्म हुआ था, तब भी कोशिश की जाती तो भारत को 20-25 साल पहले, ना सही 5-7 साल पहले तो आजादी मिल जाती। एक व्यक्ति जब जेल में होता है ना और उसे उसकी सजा पूरी होने से एक दिन पहले भी छोड़ दिया जाए तो उसे आजादी की कीमत समझ आती है, लेकिन पूरे भारत को ब्रिटेन ने एक जेल में बदल कर रखा था, फिर भी सत्ता की भूख कहें या ब्रिटेन के साथ अंडरस्टैंडिंग जुगलबंदी की, तत्कालीन नेताओं ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों के प्रति वफादारी और उन्हें किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाने की कस्में खाई। और जब देश आजाद हुआ तो उसका पूरा क्रेडिट वो तमाम नेता ले गए कि उन्होंने देश को आजादी दिलाई, उन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाया। लेकिन आज हम आपको एक और ऐसा तथ्य बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद, हमें लगता है, आज से पहले नहीं सुना होगा। और वो तथ्य यह है कि 1947 में भारत को जो आजादी मिली उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में ब्रिटेन के खिलाफ हुई बगावत थी, 1946। उस बगावत में 20,000 से ज्यादा नौ सैनिक और 78 जहाज शामिल थे। ब्रिटिश इंडिया में इस बगावत को कोलकाता से लेकर कराची तक का समर्थन मिला था, आम लोगों का भी समर्थन इन नौ सैनिकों को मिल चुका था, लेकिन देश के तत्कालीन राजनेताओं ने इसे समर्थन देने से मना कर दिया। इस बगावत में भारतीय वायुसेना, जिसे तब रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था, उसके लोग भी जुड़ गए थे और देश भर के पुलिसकर्मी भी। लेकिन इन लोगों को राजनेताओं का साथ नहीं मिला, तत्कालीन नेताओं का,
बल्कि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग इन सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए कहने लगी जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत कर रही थी। हमारे पास मौका था, उस समय सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी थी जिसने इस बगावत का समर्थन किया था और उस पार्टी का नाम था नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इस सबसे बड़ी बगावत के सूत्रधार कौन थे? उनका नाम था बलाई चंद दत्त, जो 1941 में रॉयल इंडियन नेवी में वायरलेस टेलीग्राफिस्ट के तौर पर के पद पर तैनात थे। रॉयल इंडियन नेवी में काम करने के दौरान उन्होंने देखा कि कैसे नौसेना के ब्रिटिश अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उनका अपमान करते हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि अंग्रेजों से आजादी बगावत के जरिए मिल सकती है। बीसी दत्त दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे। उन्होंने देखा कि जिन देशों के सैनिक उस युद्ध में लड़ रहे हैं उन्हें पता है कि वो युद्ध अपने देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन बीसी दत्त ने सवाल किया कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं। और फिर इस सवाल ने उस बगावत की रूपरेखा तैयार की जिसे बॉम्बे में 18 से 25 फरवरी 1946 के बीच अंजाम दिया गया। इस दौरान भारतीय नौसैनिकों ने अपनी सेना को रॉयल इंडियन नेवी की जगह इंडियन नेशनल नेवी बुलाना शुरू कर दिया और खुद को आजाद हिंद। लेकिन तत्कालीन भारतीय राजनेताओं के दबाव में बगावत अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले खत्म करा दी गई, क्योंकि शायद राजनेताओं को लगा होगा कि उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है, वो ब्रिटेन से आजादी लेने के करीब है, मतलब उसका क्रेडिट किसी और को क्यों चला जाए। और हुआ भी ऐसा ही। स्कूल कॉलेज के इतिहास की किताबों में ना तो आपको अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की दूसरी सबसे बड़ी बगावत के बारे में कोई कभी पढ़ाया गया होगा, ना इस क्रांति के सूत्रधार बीसी दत्त के बारे में। ठीक वैसे जैसे अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को इतिहास से मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन तब सावरकर ने 1857 की क्रांति को किताब की शक्ल दी और उसे जन जन तक पहुंचाया। 1857 की क्रांति पर लिखी गई एक ऐसी किताब बीसी दत्त के लॉकर से मिली थी, उसमें कुछ पैम्फलेट भी मिले थे जिनमें से एक में जो लिखा था ना वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। वो लिख रहे हैं कि फॉर 25 years now, we have been actively trying to get rid of our British rules, but failed. मतलब 25 साल से हम लड़ रहे हैं और ब्रिटिश से आजादी लेने के लिए, लेकिन हम नाकाम हुए। आगे वो लिख रहे हैं, वो सुनिए अब आप। लार्ज सेक्शंस अमंग द कांग्रेस एज ऑल्सो इन द कंट्री फील दैट वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू फाइट द ब्रिटिश। मतलब कांग्रेस के एक बड़े वर्ग को लगता है कि हम उतनी क्षमता हम में नहीं है, वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट द ब्रिटिश एंड मस्ट देयरफॉर ट्राई टू विन इंडिपेंडेंस थ्रू पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। ये बीसी दत्त के पैम्फलेट में है जिसमें वो बता रहे हैं, एक तरीके से वो बता रहे हैं कि 25 साल देरी से आज़ादी मिली क्योंकि हमें कभी लगा ही नहीं कि हम जो है अंग्रेजों से लड़ पा रहे हैं या लड़ पाएंगे, इसलिए शांतिपूर्ण पीसफुल और संवैधानिक तरीके से ही आज़ादी का रास्ता चुना गया। At Shimla, the Congress showed how anxious it was to come to a compromise with the government at practically at any cost. Aage suniye, the result is that in spite of 25 years of struggle and bitterness, the Englishmen and their Indian servants are the most comfortable people in the country. मतलब आजादी की कोई इस तरह की भूख ही नहीं थी, वो comfortable थे। मतलब इन शब्दों को पढ़कर ऐसा लगता है मानो वीर सावरकर के ही शब्द हो, किसी फिल्म में किया वीर सावरकर का नाम लेकर किया गया दावा, भले ही देखिए सही हो या गलत हमें नहीं पता, लेकिन बीसी दत्त के शब्द और आज जो कहानियां हमने आपको बताई है ना वो बताती हैं कि शायद आजादी के मतवालों की अगर चली होती, मतलब महान क्रांतिकारियों की अगर चली होती और कुछ राजनेताओं ने हर बार अंग्रेजों को डिस्काउंट ना दिया होता अपनी